हेलो गाइस, मेरा नाम सूरज पटेल है। और गाइस, मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या कभी कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप इस नंबर से मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं ये नंबर इसके लिए हर वीडियो में दे रहा हूँ बिकॉज मैंने एक दो वीडियो में डाला था जिसकी वजह से लोगों को काफी जो प्रॉब्लम होते हैं, जो कमेंट करके उनको नहीं समझ में आते थे तो मुझे कॉल करके पूछे। तो लेकिन गाइस, आप मेरे वीडियो पे जरूर कमेंट जरूर करें, कमेंट नहीं होने के बाद ही आप मुझे ये कॉल करें। ओके गाइस, एंड आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हो। एंड आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे फेसबुक पेज। गाइस, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी विजिट करते हो तो आपको मेरे ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। मेरे फेसबुक पेज को प्रोटॉन एकेडमी करके सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, जो मेरा क्लास है। गाइस गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम ऊपर लिखा हुआ है, सबटाइटल पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप इधर देखोगे, इधर मैंने लाइन लिख के दिया हुआ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस फॉर FY बीकॉम कॉलेज स्टूडेंट। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? फाउंडेशन कोर्स सेकंड, ठीक है, जो सेम टू में है, जिनका फाउंडेशन कोर्स है जिसे हम FC बोलते हैं। गाइस, मैंने उनका इम्पोर्टेंस लाया है जो आपके एग्जाम में इस टाइम आने वाला है 2019 एंड 2020 में। FY बीकॉम कॉलेज स्टूडेंट कोई यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लाया, यूनिवर्सिटी का मैंने इको का लाया हुआ है जो आपको मेरे अपना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये मैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए लाया हुआ है, तो इसे जरूर प्रेफर करें और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने खासकर फ्रेंड लोगों के लिए, जो उनके लिए भी यूजफुल हो। गाइस, मैंने ना टॉपिक वाइज फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा, ये फाउंडेशन जो है इसका टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो मैं इसमें इस वीडियो में कुछ बोलूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन रीड करूंगा नहीं, आपको ही देखना है सिर्फ। मैं उसे हिलाते रहूंगा, मतलब जस्ट मूव ऑन करूंगा और आप लिख के लीजिए कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, जितने भी आएंगे आप सिर्फ लिख के लीजिए कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक लिस्ट बनाइए, ये फर्स्ट टॉपिक का जिसके ऊपर लिखा हुआ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने दिया है, क्या क्या क्वेश्चन है देखते लीजिए गाइस, और साथ में क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं टाइम आपको दिया रहूंगा लिखने का। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्री, लिखे लिखे गाइस, जरूर लिखे आप। गाइस मीन्स फर्स्ट टॉपिक में जो हमारा टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, उसमें आपको ये 8 पॉइंट है, ये 8 क्वेश्चन है जो आपको याद करने होंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे इस फर्स्ट टॉपिक में से, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, डेंसोन नहीं बोलता, 100% आएंगे, लेकिन हाँ जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से 60-70% यही चांसेस है, 70 से ज्यादा भी चांस है कि जो मैंने आपको दिया हुआ है लिस्ट क्वेश्चन का उसी में से आने वाले। सेकेंड टॉपिक है FC फाउंडेशन कोर्स में ह्यूमन राइट्स, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स मैं बोलूंगा नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को लिखना है, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। गाइस, सेकेंड टॉपिक में आपको इतना ही करना है, फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर बी, उसमें 3 है, सिग्निफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक, राइट ऑफ फ्रीडम, ये आपको करके जाना उसके अंडर का है, ठीक है, पार्ट है ये, सेकेंड टॉपिक में आप लोगों को करके जाना है। थर्ड टॉपिक जो है इकोलॉजी, इकोलॉजी में गाइस आप लोगों को क्या क्या करना है देख लीजिए। गाइस, आपको थर्ड टॉपिक FC के इकोलॉजी में आपको ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए हुए जो आपको प्रिपेयर करना है, आप लिख के लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पूज करके भी लिख सकते हैं। गाइस, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है उसमें आपको कितने क्वेश्चन है वो देख लीजिए।
गाइस आपके फोर टॉपिक में आपको ये सिक्स क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, ठीक है गाइस। एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है आपका फिफ्थ वाला, उसमें क्या क्या आपको तैयार करना है। आपको पूरे एफसी में फाइव टॉपिक है, फाइव टॉपिक में से आपको फाइव टॉपिक के मैंने इंपॉर्टेंस दिए, फाइव टॉपिक में ज्यादा नहीं है, और जो फाइव टॉपिक में दिया जरूर करके जाना, उसमें से कोई एक तो गारंटी आएगा, ठीक है गाइस। यही है आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों को, कमेंट जरूर करें, और कमेंट के बावजूद कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को लेके। बाय बाय फ्रेंड्स।